आप देख सकते हो कि लाइट्स फिट हो चुकी है और फ्लैशर के साथ कितनी बढ़िया लग रही है यार, मतलब इंडिकेशन के साथ। अभी बेंड पाइप फिट हो चुकी है और आप तो क्या हाल है भाइयों के, सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज मेरे एक दोस्त R15 V3 में एग्जॉस्ट लगाने वाला है विद बेंड पाइप। R15 BS6 वर्जन है वो, तो मेरे को कल उसका कॉल आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को कौन सा एग्जॉस्ट लगाना चाहिए। भाई कैसे चल रहा है पंजाब वाला, ये पूछ रहा था कि भाई कैसा एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, बैंड पाइप लगाना वर्थ है कि नहीं है। तो मैंने उसको सब बताया, ऑल्सो मैंने उसको बोला कि, फिर मैंने उससे परमिशन मांगी उसकी कि क्या मैं उसकी वीडियो बना सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से वीडियो बना। तो लकीली हमको कंटेंट मिल चुका खुद ब खुद, हमारे पास चल के आया कंटेंट, तो हम ये वाला जो मौका है वो कैसे ठुकरा सकते हैं। गाइस मैं अभी यहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी वैसे यहाँ से आया था फिर मैंने देखा ये, तुम हालत देखो भाई की एक बार, पंजाब नंबर, आई डोंट नो विक्टिम कहाँ पे है बट एक्सीडेंट बड़ा ही खतरनाक हुआ है। ये देखो हालत देखो अभी, ये देखो यहाँ तक गिरा हुआ है कुछ। मैं तभी बोलता हूँ गाइस आपको आराम आराम से चलो और प्लीज़ सेफ्टी गियर्स पहनो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम चले जाओगे भाई तुम्हारी फैमिली अकेली रह जाएगी, प्लीज़ यार। तो जो मालिक है एमएनटी से जिसने एग्जॉस्ट लगवाने हैं वो पहुंच चुका है शॉप पे, और अब मैं भी आपको सीधा मिलता हूँ शॉप में। चलो भाई बड़ी लेट कर दी यार। सो गाइस ये है हमारे मालिक R15 BS6 के जो एग्जॉस्ट लगा रहे। भाई कैसे हो भाई, ने कंटेंट दिया हमको आज, लेकिन भाई किस काम में लग गए आप? इसमें अभी DRL के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं अभी, इसमें तो अभी जगह देख रहे हैं लगेगी कैसे अच्छी है। अच्छा मतलब भाई आज मोटा खर्चा करने वाला है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई इंस्टॉल करा रहे DRL, वाइट कलर की है ना, ऑरेंज कलर की। अच्छा मतलब इंडिकेटर देंगे तो ऑरेंज हो जाएगी, वाह यार। तो थोड़ी बहुत भाई ने पहले से मॉडिफिकेशन करी हुई है, इसे टेल टाइडी लगाई हुई है, इंडिकेटर वाले मिरर्स लगाए हुए हैं, फ्लश माउंट इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। देख सकते हो कि लाइट्स फिट हो चुकी हैं और फ्लैशर के साथ कितनी बढ़िया लग रही है यार, मतलब इंडिकेशन के साथ बहुत सही हुआ यार। तो गाइस अभी क्या सीन होगा कि ये जो आगे वाली फेयरिंग है इसको खोला जाएगा और फिर ये खोलेगा यहाँ से और फिर बैंड पाइप लगेगी। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में R15 V3 की बैंड पाइप, इसको जानते हो शुभम कौशल, ये बिग फैन प्रभजोत सर से मिले हैं, आपका बिग फैन हो सर। सो गाइस अभी देख सकते हो कि ये जो बैंड पाइप है ये फिट होगी, पहले तो इसको ले जाते पहले भाई के पास, सेल्फी जरूर भाई, ये भाई बैंड पाइप। तो अभी वो वाला खुलेगा और बैंड पाइप लगेगा, फिर एग्जॉस्ट ट्राई करते हैं। अभी बैंड पाइप फिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कैसी लुक प्रोवाइड कर रही है इस टाइम। बाकी अभी लगे भाई ऑन करके देखेंगे, भाई ऑन करो। सबसे पहले जिस एग्जॉस्ट को ट्राई करेंगे लगा के वो है लियो विंस का, मतलब वैसे तो डुप्लीकेट ही होता है रेप्लिका एक टाइप का, बट फिर भी डीवी किलर इसमें है, तो इसको लगा के देखते हैं और इसकी साउंड सुनते हैं कैसी है भाई। बस टेम्परेरी लगाओ फिलहाल, दो अभी साउंड सुनना गाइस। दे रहा है लियो विंस का, अभी डीवी किलर के साथ है ना, अभी खोल सकते हो डीवी किलर, डीवी किलर खोल के सुनाओ साउंड कैसी है।
तो अभी डीबी क्लियर के साथ ही ये वाली साउंड, अब डीबी क्लियर खुलेगा और फिर साउंड सुनाता हूँ आपको। बस लियो विंस वाले का भी ये डीबी क्लियर खुल चुका है, तो अब इसकी साउंड सुनते हैं इसकी कैसी आती है। एक्रोपोविक ट्राई करेंगे, बोले रेप्लिका एप्लिका एक्रोपोविक का कर दो भाई। तो ठीक थी इसकी साउंड, इतनी भी खास नहीं थी कुछ जितनी पहले वाली की थी, बाकी बढ़िया था ये भी। अभी इस वाले का डीबी क्लियर निकाल लेंगे और फिर साउंड सुनाते हैं फिर साउंड कैसी हुई। तो अभी डीबी क्लियर निकला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गया भाई ये, मतलब इसका तो मेरे को लग रहा है चलाने में हो जाएगा ना डीबी क्लियर के साथ नहीं होगा। अभी सबसे खतरनाक वाला जो मेरे को लगता है अभी तक ऐसी प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है ना इसमें डीबी क्लियर होता है, मतलब फ्री फ्लो होता है एकदम से। तो अभी इसको सुनते हैं इसकी कैसी साउंड है। तो ये तो बड़ा ही ज़्यादा लाउड है, मतलब देख सकते हो आप। आई होप वीडियो में आई है ऑडियो भाई, कैसी ऑडियो थी इसकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं है, बट इसकी आवाज़ सुनते कैसी है। इसको बोल सकते हैं देसी एग्जॉस्ट, बेस टाइप। सूदिंग साउंड है, मतलब ज़्यादा कानों को चुभ नहीं रही है, ज़्यादा लाउड भी नहीं, सिर्फ बेस है, तो ये मेरे को बढ़िया लगा। बाकी देखते कौन सा भाई लगवाता है। भाई की प्रेफरेंस ये है कि भाई ने पटाखे करने हैं, बुलेट में तो कर नहीं सकते भाई, R15 में पटाखे करेंगे, तो भाई ने लियो विंस चूज़ करा है, वो भी विदाउट डीबी क्लियर, जो कि बढ़िया चॉइस लगी मेरे को, है ना लकी भाई, क्या बोलते हो? बढ़िया। एक और बार सुना देंगे ना कैसी साउंड आ रही है इसकी, फाइनल आउटकम ले लेंगे कैसी साउंड है। करो ऑन साउंड सुनना आप GoPro से सुना लो। बढ़िया है भाई, मैंने ट्राई करा, पटाखी होगी पटाखी हुए नहीं होंगे, बस जब चला के देखेंगे इसको, ट्राई करेंगे तो क्या पता हो जाए पटाखे। बट वैसे लुक भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है एग्जॉस्ट, और आवाज़ भी अच्छी है। तो गाइस अभी काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ऐसी कुछ लुक आ रही है एग्जॉस्ट का, आई होप कम लाइट में भी शो हो रहा हो। बाकी अभी एक राउंड लगाते हैं भाई के साथ, आई होप साउंड आ रही है एग्जॉस्ट के, बिकॉज मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लाउड आ रही है यार। अभी ऐसी फील आ रही है जैसे हम सुपर बाइक चला रहे हूँ मैं, अभी अगर खाली रोड मिलता है तो स्ट्रेच करेंगे फिर आवाज़ सुनेंगे कैसी साउंड आती है। भाई डिपर कोई यूज़ कर नहीं रहा है, आँखों में लाइट पड़ रही, कुछ दिख नहीं रहा है।
बाकी एग्जॉस्ट तो बढ़िया है ही, बाइक का मिरर बहुत अच्छी लग रहा है मेरे को, मतलब इंडिकेटर के साथ साथ एरोज में भी लाइट आ रही है। सेंसर खोल लो इसलिए, प्रॉब्लम तो नहीं होगी कुछ? एजेंसी में पूछना पड़ेगा। सो गाइस आई डोंट नो व्हाई बट इंजन में इंजन वाली लाइट नोटिफिकेशन आ गई है, पता नहीं क्यों, शायद BS6 में वो सेंसर ऐसा लगता है साइलेंसर में कुछ इसलिए। सो गाइस अभी हम आ गए वापस से अपनी बाइक पे और ओ भाई साहब यार एग्जॉस्ट का ना जो ये हवा मेरे मुंह में बज रही है खतरनाक ही है भाई, इसके साउंड मतलब बहुत ज़्यादा सही है यार। तो अभी का क्या सीन है कि भाई इसमें DB किलर लगवाएगा, क्योंकि ऐसे रिस्क रहेगा कि चलान कटेगा तो बढ़िया उससे कि DB किलर लग जाए, जिससे साउंड भी सूदिंग आएगी और फिर चलान से भी बचे रहेंगे। तो अभी भाई ने DB किलर लगा लिया और DB किलर के साथ कैसी साउंड आ रही है वो भी अभी सुना दूंगा मैं आपको। तो अभी DB किलर लगा हुआ है और DB किलर के साथ आप सुन सकते हैं कि कैसी साउंड आ रही है भाई की। अकॉर्डिंग टू मी DB किलर के साथ में जो साउंड है वो बढ़िया है विदाउट DB किलर के, चलान से भी बचे रहेंगे और वैसे भी। भाई मतलब बहुत खतरनाक हो गई है बाइक, ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। सो गाइस वीडियो करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और वैसे आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको एग्जॉस्ट चाहिए होगा कोई, तो नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी बढ़िया यार एकदम।